फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल समरीन्स वर्ल्ड। और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखिए, रात का टाइम हो रहा है, बच्चे सो गए हैं और हम लोग जायद का ये साइंस का कुछ आर्ट पीस उन्होंने मंगाया था, कुछ ऐसा बॉटल से कुछ ऐसा पीस बना के लेकर आओ, तो वो हम लोग रात में बना रहे थे, तो वो हम लोग ने बना लिया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठ गई हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए टिफ़िन का रेडी कर दूँ, फिर बच्चों को उठाऊँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए, आज जोहान जो है मेरा, उसके पूरा 5 डेज उसका मेन्यू आता है कि किस दिन कौन सा क्या लेकर आना है, मेल में आता है, तो हम लोग को उसी हिसाब से टिफ़िन देनी पड़ती है मुझे। तो ग्रेड KG 1 में भी ऐसे ही था, KG 2 में भी ऐसे ही था, अभी ग्रेड 1 में जाएगा ना तो ये नहीं रहेगा, फिर आप कुछ भी दे सकते हैं। तो आज इसके टिफ़िन में इडली थी, तो मैंने सोचा इडली बनाती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये रेडीमेड, ये जो बैटर था रेडीमेड था, दुबई में यहाँ पे रेडीमेड बैटर मिलता है सारे सुपरमार्केट में, तो मैं रेडीमेड ही मंगा लेती हूँ, वो ज़्यादा इजी पड़ता है, घर में बनाती नहीं हूँ। तो देखिए, मैंने ग्रीसिंग कर ली है, हल्का सा तेल से ब्रशिंग कर ली है इस पर। अब मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ। अब बैटर डालने के बाद इसको रख देंगे पकने के लिए। देखिए, एक एक साँचा नीचे का जो साँचा है ये वो है, इसके ऊपर एक और साँचा है, एक मेरे पास बड़ा भी इडली मेकर है, वो 8-8 उसका, मगर अभी वो गिफ्ट मिला था मुझे, मगर वो मैंने रख दिया, मैं छोटा वाला यूज़ करती हूँ, ज़्यादा इजी होता है रखने उठाने में, तो दो बार मैं इसमें करती हूँ तो आराम से हम लोग चारों का हो जाता है। देखिए, सेकेंड वाले साँचे में भी मैं इसमें इडली का बैटर डाल रही हूँ। अब इस तरह से डाल लेंगे चारों में, और नीचे तो मैंने पानी डाला था, और ये स्टीम से इसको ढक के रख देंगे, स्टीम से पक जाएगा। और ये देखिए बाहर का जो नज़ारा है, ये देखिए सुबह हो गई है और कुछ 6 बजे का टाइम है, उठी हूँ मैं, नमाज़ वगैरह पढ़ी हूँ, फिर आई हूँ किचन में, और यहाँ देखिए बसेस वगैरह आना स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चों को मैंने उठा दिया है। और जब तक ये मेरा ये भी इडली भी रेडी हो गया था, जब तक मैं जोहान को ब्रश वगैरह करा रही थी, जायद को मैंने बोला जाके फ्लेम ऑफ़ कर दो, तो जायद आके फ्लेम ऑफ़ कर चुका था। अब इसको रख देंगे थोड़ी देर ठंडे होने के लिए, अभी गर्म में अगर इसको निकालेंगे ना तो ये चिपक जाएगा। तो देखिए, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, जायद अपना सॉक्स पहन रहा है, जोहान एकदम रेडी होके यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इन लोगों को मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट दे दूँगी, और सुबह ये लोग, या तो मैं इन लोगों को कभी बॉयल एग दे देती हूँ, या ब्रेड चीज़ लगा के दे देती हूँ, या ब्रेड जैम लगा के दे देती हूँ, जो भी मांगते हैं तो वो दे देती हूँ। आज मैं इन लोगों को ब्रेड चीज़ लगा के दे रही हूँ। ये देखिए, वो जो स्प्रेड वाला चीज़ आता है, वो इस तरह से मैं लगा के बच्चों को दे देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। और बच्चे रेडी हो गए यहाँ पे, जब तक मेरी इडली जो है वो ठंडी हो रही है इडली, और इधर बच्चे एक तरफ नाश्ता करेंगे, तब तक फिर मैं इन लोगों का फिर टिफ़िन प्रिपेयर कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से कट करके मैं दे देती हूँ, और फिर ये देखिए इडली का वो ठंडा हो गया है, तो इस तरह से निकल, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा थोड़ा चिपक गया, थोड़ी देर और रखेंगे और ठंडा हो जाएगा, तो और भी एकदम भी नहीं चिपकेगा, तो इस तरह से निकाल लेंगे और दोनों को टिफ़िन में मैं रख दूँगी। तो ये देखिए, दोनों के टिफ़िन में मैंने इडलियाँ निकाल ली हैं इस तरह से। अब इसको मैं बीच में से कट कर दूंगी ताकि बच्चों को जो है खाने में इजी रहे। बच्चों को टिफ़िन में मैं वो रख देती हूँ, फोक वगैरह, ताकि बस उसको फोक से लगाएं और खा लें। तो आज मैंने चटनी नहीं बनाई है, मैंने लोगों से पूछा तो बोले चटनी नहीं चाहिए मम्मा, बाद में मैंने जोहान की प्लेट में और रख दी। मुझे जब मैं टिफ़िन पैक कर रही थी तब मुझे याद आया आज तो जोहान का एक्स्ट्रा क्लासेस है, जोहान भी आएगा 2:30 बजे, वरना तो जोहान 12 बजे तक आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा टिफ़िन देती हूँ, तो सेकेंड टिफ़िन बनाने का टाइम नहीं था। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज जोहान ट्यूज़डे और थर्सडे उसका एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तो मैंने उसको एक इडली ज़्यादा रख ली कि आधा एक ब्रेक में खा लेगा, आधा दो दूसरे ब्रेक में खा लेगा। और इन लोग के एक दो ब्रेक होते हैं, एक फ्रूट ब्रेक होता है और एक मेन डिश ब्रेक होता है, तो फ्रूट्स भी इसलिए रखना होता है, टीचर फ्रूट भी मेंशन करती है कौन कौन से फ्रूट्स रखने हैं। तो देखिए, मैंने फ्रूट्स वगैरह रख दिया है जायद के भी टिफ़िन में, और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर शुगर डाल दिया ताकि मीठे से बच्चे पूरा ख़त्म कर ले, लालच में मैंने डाल दिया शुगर ताकि बच्चे खा ले पूरा, मगर वापस आए थे तो दोनों ने टिफ़िन बचा के, जोहान इडली बचा के लाया था और जायद ने इडली खाई थी और सारे फ्रूट्स बचा के लेकर आया था। तो ये हो गए इनके टिफ़िन पैक, और ये देखिए हम लोग निकल रहे हैं, बस लेके जा रही हूँ। सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि डिटेल में पूरी वीडियो बनाऊँ, और बस जल्दी जल्दी जितना हुआ मैंने बनाया है। देखिए, ये है पूरा फाइनल लुक इसका जो हम लोग रात में बना रहे थे। ये देखिए, बॉटल को इस तरह से हस्बैंड ने कट किया था, फिर हम लोग ने पेंट किया, फिन्स लगाए, आइज़ बनाए, उसके दांतों को शेप दिया, और देखिए आगे नीचे रिसेप्शन में बस आने वाली है थोड़ी देर में, तो जायद कुछ बता रहा है मेरे को। इधर जोहान खड़े हुए हैं,
बच्चे मतलब एकदम सुबह बाहर आने, घर में रहते हैं थोड़ा सा वो रहते हैं, जैसे ही वो बाहर आते हैं ना एकदम एक्टिव हो जाते हैं बाहर का वो देख कर कि स्कूल के सारे बच्चे रेडी हैं, सब आजू बाजू अपने बच्चों को देख के। और देखिए बस में बच्चे चढ़े और ये बच्चे जा रहे हैं, इधर जुहान मुझे बाय कर रहा है, तो वही मैंने जूम करने की कोशिश करी है मगर दिखा नहीं इतना सही, और बस चली गई है। ये देखिए बस आ जाती 6:30 बजे, और यहाँ पे देखिए मैं आ गई वापस से ऊपर, और मैंने जो इडलियाँ बनाई हैं उसके लिए मुझे चटनी बनानी थी, तो चटनी के लिए मैंने वो जो ग्रेटेड नारियल होता है, ग्रेट किया हुआ यहाँ पे मिलता है, वो मैंने लिया है। इसमें मैंने हरी धनिया लिए हुई हैं, और मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं 3, तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने 2 जवे लहसुन लिए हुए हैं, ये देखिए। अब ये है चना, ये भुना हुआ चना है जो कि मेरी सास भेजती हैं चेन्नई से, वहाँ से यहाँ पे भी दुबई में भी मिलता है मगर वहाँ से ही वो 1-1-2-2 किलो भेज देती हैं, तो मेरा पूरा चल जाता है। तो ये चना मैंने ऐड कर लिया है, और अब बस इन सब चीज़ों को मैं पानी डाल के, नमक डाला है मैंने और पानी डाल के मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, और पानी इसमें ज़्यादा लगता है तो पानी डाल के पीस लिया है। बाकी आप कंसिस्टेंसी उसकी देख सकते हैं। फिर मैं इसको ना एक स्टील के एयरटाइट डब्बे में रख देती हूँ, स्टील के या फिर कांच के, ताकि ये चले 3-4 दिन तो चलता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं इसका तड़का लगा रही हूँ, तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें राई डाला है। अब मैं इसमें सूखे लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ सूखी हुई, अब सूखी लाल मिर्च भी जब अच्छे से लाल हो जाएगी तो इसमें करी पत्ता डालना है। मेरे करी पत्ते जो है ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सुखा के भी कुछ रखी हुई थी कभी इमरजेंसी के लिए, जब फ्रेश वाले ग्रीन वाले करी पत्ता नहीं हो तो ये वाले सूखे हुए डाल लो, तो ये मैंने धो के सुखा के रखा था। अब इसको इस तड़के को चटनी में डाल लेंगे, तो बन के रेडी हो गई है चटनी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, तो ये चटनी है जो है वो अभी हस्बैंड को दूंगी मैं टिफ़िन में, और फिर मैं भी खाऊंगी। बच्चों को तो मैंने ऐसे ही दे दिया क्योंकि चटनी पीसने का टाइम भी नहीं था, और मैंने ये सोच के दिया कि बच्चे चीनी की वजह से शायद खा लेंगे। और यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ, फ्रूट्स कट करके मैं रख रही हूँ उनके टिफ़िन में, जो भी फ्रूट्स रहते हैं उनको दे देती हूँ। मैंने थोड़े एप्पल रखे हैं, थोड़े ग्रेप्स रखे हैं, और यहाँ पे देखिए एक स्लाइस खरबूजे का, स्वीट मेलन का रखा है, और ये हो गया है उनका टिफ़िन पैक। और यहाँ पे देखिए इडली उनको भी मैं इसी तरह करके देती हूँ बच्चों की तरह, ताकि वो ईज़िली खा सके। एक फोक दे देती हूँ, चटनी ऊपर से डाल देती हूँ क्योंकि वो ऑफिस में बैठ के खाते हैं तो आराम से बीच में वो खा सकें ईज़िली, और कहाँ वो हाथ से डुबोएंगे और चटनी में डिप करेंगे और फिर खाएंगे, इससे अच्छा फोक में लगाया और खा लिया। ये देखिए हस्बैंड का भी नाश्ता रेडी हो गया है, और यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन भी मैं पैक कर रही हूँ। चावल गरम गरम मैंने बनाए हैं, रात में मैंने दाल गोश बनाया था तो वो मैंने दाल गोश रख दिया है उनको एक डब्बे में, और दूसरे डब्बे में मैं चावल बना के फ्रेश रख रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड की भी टिफ़िन रेडी हो गई है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको खोल देंगे। यहाँ पे एयर पास होने की जगह है, बीच में एक होल है तो उसका सारा भाप निकल जाएगा। देखिए उनकी टिफ़िन रेडी हो गई है उनको। यहाँ पे मैंने जूस बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना, अभी 1 हफ्ते से हम लोग ये कर रहे हैं कि कॉफ़ी, मैंने उनको मना किया है कि कॉफ़ी नहीं पीजिए अब जूस पीजिए, तो ये देखिए फ्रेश जूस उनके लिए निकाल रही हूँ, और एक बॉटल में मैं भर के उनको जूस दे देती हूँ ताकि वो ब्रेकफास्ट के बाद जूस को पी सके और पेट भी सके, क्योंकि कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आजकल बोल रहे थे पेट थोड़ा सख्त हो जा रहा है, तो मैंने कहा ऑरेंज जूस पीजिए वो अच्छा रहेगा। तो ये 4 मौसम्बी का 1 ग्लास ऑरेंज जूस बनता है, ये मैंने उनको कांच की बॉटल में ऑरेंज जूस रख दिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऑलिव्स भी रख रही हूँ, मेरे हस्बैंड ऑलिव्स भी लेते हैं खाने के साथ, तो उनको ऑलिव्स भी मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो जायद जुहान खाना छोड़ के कहते ब्रेड, इस तरह से खाते हैं कि कॉर्नर्स जो एजेस होते हैं उसके छोड़ देते हैं, ये जो कॉर्नर्स होते हैं मैं इनको चिड़िया को दे देती हूँ, जब ज़्यादा मोटा पीस बचा हुआ होता है फिर वो मेरा नाश्ता होता है, वो मैं खाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ चिड़िया को देने। अच्छा मैं यहाँ पे कबूतरों को रोज़ देती हूँ ना, तो वो भी आके बैठ बैठ के चिल्लाते रहते हैं कि कुछ दो, तो देखिए मैं गई हूँ बालकनी में उनको दूंगी, और देखिए किस तरह से सारे कबूतर एक साथ आ जाएंगे खाने के लिए। देखिए ये मैंने डाला है यहाँ पे ब्रेड उनका, और देखिए आए हैं और मुझे को देख के डर रहे हैं, वो आके खा नहीं रहे हैं, वो डर रहे हैं, देखिए कॉर्नर में बैठे हुए हैं। तो मैं अंदर की तरफ आ गई, मैंने सोचा कि अंदर से रिकॉर्ड करूं, देखिए किस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं, भगा रहे हैं कि मेरा पीस छोड़ो मैं खाऊंगा, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और खाते रहते हैं। उसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी, मैंने ब्रेकफास्ट किया, बच्चों को भेज के मैं थोड़ा घर वर समेट के सो जाती हूँ, और ये मैं सो के उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। आज लंच में राजमा बना रही हूँ, तो राजमा मैंने बॉईल करके रख लिया है, एक तरफ प्याज लाल कर रही हूँ, जिस कुकर में मैंने राजमा बॉईल किया था उसी कुकर में मैंने प्याज लाल कर रही हूँ, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, टमाटर ऐड कर रही हूँ उसमें, ये देखिए
टमाटर वगैरह ऐड कर दिया है इसमें। अब इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। देखिए इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाला है मैंने, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी इसमें। लाल मिर्च पाउडर ऐड किया क्योंकि हरी मिर्च ऐड किया था तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी डाला था। और यहाँ पे देखिए मैं इसमें धनिया पाउडर मैंने डाला है। और मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, नीचे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं ना, तो उन बच्चों की आवाज़ आ रही है। तो आप लोग जब मेरे वीडियो देखेंगे तो पीछे से बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ आएगी, तो पार्क में बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि मैं बालकनी में अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए गरम मसाला मैंने डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से इन मसालों को मैं भून लूँगी। मसाला भून गया है, अब इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही ऑप्शनल होता है, मुझे अच्छा लगता है दही, तो मैं इसमें दही भी ऐड करती हूँ। और देखिए अच्छे से भुन गया मसाला, तरी वगैरह छोड़ दिया है। तो अब इसमें भुना जो उबला हुआ राजमा था वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड कर लेंगे, इसमें नमक मिलाएंगे, इसको अच्छे से सारा मसाला मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, नमक मैंने राजमा में भी ऐड किया हुआ था तो उस हिसाब से मैं नमक ऐड करूँगी। अब इसमें प्रेशर कुक करूँगी पानी डालकर। और एक तरफ खाना बन के रेडी हो गया था और एक तरफ बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को नीचे से लेने। 2:30 हो गए थे, खाना रेडी हो गया था और बच्चों को बस लेने जाना था मुझे, तो बस मैं निकल गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। देखिए मैं जा रही हूँ, 2:30 पे चली जाती हूँ नीचे, कभी बस 2:40 पे आती है, कभी 2:45 पे आती है, कभी 2:35 पे ही आ जाती है। तो बस 2:30 जैसे ही होते हैं मैं चली जाती हूँ नीचे, रिसेप्शन में बैठ जाती हूँ। और देखिए बच्चों को लेके आ गई हूँ मैं और ये बच्चे आ गए हैं। देखिए शायद जोहान आ गए हैं, आज जोहान भी मैंने बताया ना आपको, आज जोहान भी अपने भैयों के साथ आए हैं 2:45 पर, लेट ही आए हैं। देखिए अब मैं इनके बैग्स वगैरह रख रही हूँ, आते ही साथ तो ये सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सोचा बच्चों को खाना निकालती हूँ, तो मैं धनिया ऊपर से गार्निश कर रही हूँ, बन के रेडी हो गया है राजमा। और यहाँ मैं प्लेट में जोहान का खाना निकाल रही हूँ। अच्छा जैसे ही मैं बच्चों को लेके आती हूँ तुरंत उनको लेके जाती हूँ बाथरूम में, फटाफट उन लोग को शावर दिलाती हूँ, क्योंकि 15 मिनट में यानी 3 बजे उनके हाफिज़ जी आ जाते हैं उनको कुरान पढ़ाने के लिए। तो उनके लिए मैं ग्रीन टी बना रही हूँ उस हाफिज़ जी के लिए, ये ग्रीन टी। अब जायद पढ़ रहा है तो मैं जा रही हूँ उनको चाय देने के लिए। और यहाँ देखिए अब मैं जायद पढ़ रहा है हाफिज़ जी से, मैं जोहान को खाना खिला रही हूँ। जोहान खुद से खाना नहीं खाता, पता नहीं वो स्कूल में कैसे खा के आता है, घर में मुझे उनको खुद ही से खिलाना पड़ता है या मैं खिलाती हूँ या हस्बैंड खा। अच्छा बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो खा लेते हैं, घर पर नहीं खाते खुद से। और फिर शाम को हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं इंडिया, बच्चों का वेकेशन आ रहा है तो वेकेशन पे इंडिया जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ईद जो आ रही है बकरा ईद, उसमें भी हम लोग इंडिया में ही रहेंगे। फर्स्ट टाइम मैं ससुराल में बकरा ईद कर रही हूँ, तो हमेशा ऐसे टाइम पे बकरीद पड़ती थी। पहले तो मेरे सास ससुर दुबई में ही रहते थे, जब मेरे ससुर रिटायर होके इंडिया वापस गए तो ऐसे टाइम पे बकरीद पड़ी कि कुछ ना कुछ हो रहा था, कोविड आ गया था, वो 3 साल पहले ही रिटायर होके गए थे। तो हम लोग कभी नहीं हम लोग ने सेलिब्रेट किया ईद और बकरीद इंडिया में। इस बार फर्स्ट टाइम हमारी सास जो है आई थी दुबई, फिर उसके बाद 15 दिन दुबई में रह के वो चली गई हैं, लास्ट वीक ही गई हैं। तो हम लोग भी इस बार इंशाल्लाह ईद करने इंडिया जा रहे हैं, तो बस उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग चल रही है, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए बाहर आए हैं, तो इसलिए आपको शॉपिंग ब्लॉग भी देखने को मिल गया आज मेरा जो मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ। तो थोड़े बहुत शॉपिंग करेंगे, तो ये था आज का ब्लॉग। और फिर आगे की जो शॉपिंग वगैरह होगी और इंडिया जाने की जो भी तैयारियाँ होंगी वो सब चीज़ मैं आपके लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून्ड, और दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और मुझे ना कुछ लॉन्ग फ्रॉक्स चाहिए थे मेरी टाइप में, जो लॉन्ग फ्रॉक्स आजकल चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आई थी यहाँ पे देखने के लिए। देखिए यहाँ पे लॉन्ग फ्रॉक्स के कितने सारे कलेक्शन हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे मगर प्राइसेस जो है हाई थे। मैंने लिया था यहाँ पर से। और ठीक है फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।